मैं सिर्फ डॉक्टर निशा कंठालिया। आज हम बात कर रहे हैं बंधक से आशय परिभाषा आवश्यक तत्व। जब ऋणी बंधककर्ता ऋणदाता बंधकदार से निश्चित समय हेतु धन उधार ले और उस ऋण को निश्चित समय पर मय ब्याज चुकाने हेतु ऋण के भुगतान की सुरक्षात जमानत गारंटी हेतु अपनी स्थावर अचल जड़ संपत्ति या इमूवेबल प्रॉपर्टी के हित को बंधकदार को अंतरित करे तो इस संव्यवहार को बंधक कहेंगे। परिभाषा, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 में इसे यूं व्यक्त किया है, बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के किसी हित का वह अंतरण है जो उधार के तौर पर या दिए गए या दिए जाने वाले धन के संदाय को या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को या ऐसे वचन बंध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है। इस परिभाषा में कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं, आइए हम उस पर भी बात करते हैं। अंतरण के इस व्यवहार में ऋणी बंधककर्ता और अंतरक होगा, ऋणदाता बंधकदार बंधक ग्रहीता और अंतरिती है, मूलधन और ब्याज बंधक धन होगा और अचल संपत्ति से आशय ऐसी संपत्ति से होगा जो स्थिर हो, चलायमान न हो, गतिशील न हो और जिसमें स्थान परिवर्तन की क्षमता न हो, अर्थात इमूवेबल प्रॉपर्टी। अनुसार एक मान्य बंधक के लिए निम्न तत्वों लक्षण गुण विशेषताओं शर्तों और विधिक अनिवार्यताओं का होना आवश्यक है। पहला तत्व है दो पक्षकार, अर्थात बंधक का व्यवहार करने के लिए दो या दो से अधिक पक्षकार अपेक्षित हैं, जिसमें एक पक्षकार होगा बंधककर्ता, जो व्यक्ति ऋण ले रहा है, जो अंतरण कर रहा है वो अंतरक के नाम से जाना जाएगा, और दूसरा पक्षकार होगा बंधक ग्रहीता अर्थात ऋणदाता। दूसरा आवश्यक तत्व है विषय वस्तु केवल अचल संपत्ति। बंधक के व्यवहार में जमानत स्वरूप जिस संपत्ति को रखा जा रहा है वो केवल अचल प्रकृति की होनी चाहिए। यहाँ अचल संपत्ति से हमारा आशय है कि ऐसी संपत्ति जो चलायमान न हो, गतिशील न हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक न जा सकती हो, जड़ प्रकृति की हो, स्थावर हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरा आवश्यक तत्व है अचल और स्थावर संपत्ति के हित का अंतरण। यहाँ पर ऋणी के द्वारा ऋणदाता के समक्ष जो संपत्ति जमानत के बतौर रखी जा रही है वहाँ स्वामित्व का अंतरण नहीं होगा बल्कि सिर्फ उसके हित का ही अंतरण होगा। चौथा अपेक्षित तत्व अचल स्थावर संपत्ति का निर्दिष्ट होना, अर्थात जो संपत्ति गारंटी और सुरक्षा के तौर पर रखी जा रही है वो संपत्ति निश्चित हो और बंधक विलेख में स्पष्टतः उसका उल्लेख भी होना आवश्यक है। पांचवा तत्व है बंधक का उद्देश्य प्रतिभूति या जमानत के रूप में होना। जब बंधक का व्यवहार दो या दो से अधिक पक्षकारों के मध्य किया जाता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ अचल संपत्ति को ऋण चुकाने के वचन के स्वरूप में प्रतिभूति या जमानत के रूप में होना चाहिए और कुछ नहीं। अगला तत्व है ऋण वर्तमान या भावी दोनों प्रकृति का हो सकेगा, अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि ऋण वर्तमान में ही लिया जाए। यदि भविष्य में लेने का भी करार पक्षकारों के मध्य हुआ है तो वो भी एक मान्य बंधक का व्यवहार ही होगा। सातवां अपेक्षित तत्व है दोनों ही पक्षकार जीवित हो, अर्थात संपत्ति अंतरण अधिनियम में सिर्फ अंतरक और अंतरिती दोनों ही पक्षकारों का जीवित होना अति आवश्यक है क्योंकि यह अधिनियम अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में सिर्फ अपवादित अवस्था में सेक्शंस 13 और 14 में बात करता है, अदरवाइज दोनों ही पक्षकारों का अंतरण के समय जीवित होना आवश्यक है। आठवां अपेक्षित तत्व है अचल संपत्ति का विद्यमान होना आवश्यक है, अर्थात जिस संपत्ति के जिस प्रॉपर्टी के बिहाफ पर बंधक के व्यवहार को किया जा रहा है वह संपत्ति बंधककर्ता अर्थात ऋणी के पास उस समय विद्यमान होना चाहिए क्योंकि महज संभावनाओं का इस अधिनियम में कोई स्थान नहीं है। बंधक का अगली आवश्यक शर्त है निश्चित समय पर ऋण चुकाने का बंधककर्ता द्वारा वचन, अर्थात बंधककर्ता और ऋणी जो है वो एक निश्चित समय पर ऋणदाता को ऋण राशि में ब्याज चुका देगा या अपने आप को वचनबद्ध वो करता है या अपनों को पूरी तरह व्यक्तिगत तौर पर आबद्ध करता है। दसवें पॉइंट पर बात करते हैं बंधक व्यवहार शर्त सहित भी हो सकेगा बशर्ते अधिरोपित शर्त मान्य हो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है बंधक विलेख की रचना। एक मान्य बंधक के लिए विधिक नियमानुसार अपेक्षित है कि एक बंधक विलेख एक डीड के द्वारा इस पूरे व्यवहार को किया जाए।
ट्वेल्थ पॉइंट इसमें बंधक में संपत्ति अंतरण करने का तरीका। जब बंधक का व्यवहार किया जाता है तो संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार एक निश्चित तरीके के द्वारा इसे पूरा किया जा सकता है। ये पॉइंट है इसमें रजिस्टर्ड लिखित दस्तावेज द्वारा, बी कब्जे के परिदान द्वारा और सी हक विलेखों के निक्षेप द्वारा भी इसे किया जा सकेगा। 13 पॉइंट, दोनों पक्षकार सक्षम हो। भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार अपेक्षित है कि बंधक के दोनों ही पक्षकार अर्थात बंधककर्ता ऋणी और बंधक ग्रहीता जिसे हम ऋणदाता कह रहे हैं वे वयस्क हो अर्थात 18 साल से ऊपर की आयु के हों, स्वस्थ चित्त हो अर्थात अपने द्वारा किए गए कार्य और उससे मिलने वाले परिणामों को समझने की सामर्थ्य रखते हों और सी किसी विधि के द्वारा अयोग्य घोषित न किए गए हों। लास्ट पॉइंट, बंधक ग्रहीता के उपचार। यदि सर्टन चांसेस हो कि बंधक कर्ता समय पर ऋण चुकाने में असफल हो या अपनी ऋण राशि को न चुका पाए तो उस समय ऋणदाता और बंधक ग्रहीता के पास एक उपचार होता है कि वो बंधक में जमानत के स्वरूप रखी गई संपत्ति को विक्रय करवे और उस विक्रय से जो राशि प्राप्त हो उसमें से अपनी ऋण राशि का समायोजन कर सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।